कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अमर पाटन के ऋषभ चतुर्वेदी का चयन नेशनल स्कॉलरशिप शास्त्रीय गायन में हुआ है, जिसके बाद उन्हें ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। संगीत सीखने के जुनून और उसके प्रति प्रेम को दर्शाती है अमर पाटन के ग्राम मढ़ी के निवासी ऋषभ चतुर्वेदी की ये कहानी। ऋषभ ने पहले अपने पिता और दादा से संगीत सीखा, अब ऋषभ बनारस में रहकर रामशंकर जी से संगीत सीख रहे हैं। उनके परिश्रम का परिणाम यह है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप शास्त्रीय गायन में ऋषभ का चयन किया गया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री दिनेश शुक्ला ने अपने कार्यालय में ऋषभ का सम्मान किया और ढेर सारी बधाइयां दी। ऋषभ ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। का श्रेय तो सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगा मैं, उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग हैं, गुरु जी हैं, कई लोगों का हाथ है। और उसके बाद मैं ये करने के बाद मेरा उद्देश्य यही है कि मैं संगीत जैसे मैंने सीखा है अब बाकी आने वाली पीढ़ी को मैं संगीत की शिक्षा दूँ और अपने घर परिवार माता पिता सबका नाम रोशन करूँ। मुख्य उद्देश्य हमारे अमर पाटन से लगा हुआ मढ़ी गाँव है, वहाँ के बजरंग चतुर्वेदी जी हैं, उनका सुपुत्र ऋषभ चतुर्वेदी जो कि संगीत के मामले में नेशनल अवार्ड प्राप्त किया और उसे नेशनल स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही है, इसकी जानकारी जब मुझे मिली मुझे गर्व महसूस हुआ और उनको बुला करके आज मैंने यहाँ पर सम्मान करने का काम। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहाँ है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।